शादी से पहले मान लीजिए कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो क्या हुक्म है? अच्छा शेख, यानी ये अच्छा शेख, आप जिक्र कर रहे थे कि समाज की बेहतरी के लिए निकाह करना कितना अहम है। मैं सिर्फ ऐसे गूगल पे सर्च ही कर रहा था, ऐसे देखा बस कि हाउ मेनी बेबीज बोर्न आउटसाइड मैरिज, तो मुझे दिखा कि 6,24,828 लोग बर्थ पैदा होते हैं, पैदा हुए 2021 में। तो इतना ज्यादा तादाद में लोग आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं, तो ये एक समाज के लिए मोहलिक बहुत ही बुरा मतलब वो है, जो समाज को किस तरफ लेके जाएंगे और क्या बच्चों की तरबियत होगी, कैसे क्या मामलात होंगे, इससे रिलेटेड सवाल है। तो मैं इसलिए थोड़ा से ऐड करना चाहा मैं अब इनके सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जिनसी ख्वाहिश को पूरी करना ये नेचुरल है और इंसान की फितरत और उसकी जरूरत में शामिल है, लेकिन हमारी शरीयत ने उसके लिए तरीका हमारे लिए मुहैया किया है। हमारी शरीयत जब किसी चीज से रोकती है, इंसान की किसी जरूरत से रोकती है, तो उसे उसका अल्टरनेट और उसका बदील देती है। हमारी शरीयत ने जेना से रोका, उसका बदल हमें उसका अल्टरनेट निकाह दिया। और जेना करना हमारी शरीयत के अंदर कितना बड़ा गुनाह है, आप उसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाएं कि अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जेना करता है और साबित हो जाता है, तो जेना कि जो सजा है हमारी शरीयत के अंदर किसी और जुर्म की वो सजा नहीं है। वो सजा ये है कि ऐसे इंसान को रजम कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी शरीयत जेना के तई जेना को किस निगाह से देखती है, ये कितना कबीह जुर्म है, ये कितना कबीह जुर्म है। इंसान को इंसानियत के दायरे से निकालकर हैवान बना देता है। आपके सामने अपनी वो जरूरत पूरी करने का बदील मौजूद है, आप उसके जरिए से अपनी जरूरत पूरी कीजिए। अगर कोई आदमी जिना करता है तो बहुत बड़ा मुजरिम है। उसे जाहिर है ये जो इस्लामी हदूद हैं किसी इस्लामी मुल्क में हुक्काम के जरिए से ही नाफिज किए जा सकते हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहां पर ये हदूद और ये अंजिमा नहीं है, तो जाहिर है आपके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई तो हो की नहीं जा सकती या की नहीं जाएगी, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कार्रवाई से डरिए। ये जो दुनिया की कार्रवाइयां हैं ये तो खत्म हो जाएंगी, हो सकता है दुनिया में हम बच जाएं, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कार्रवाई से बचिए। अगर कोई आदमी जिना किसी ने किया है तो सबसे पहले वो सच्चे दिल से तौबा करे, शर्मिंदगी का इजहार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे और फौरन उससे रुक जाए और आइंदा उसे ना करने का आजम करे। अगर किसी ने जिना किया है और जिना के नतीजे में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जैसा कि सवाल में इन्होंने जिक्र किया, तो देखिए हमारी शरीयत में जिना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को बाप की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा, क्योंकि नसब ये शरई तरीके से साबित होता है और वो जो ताल्लुक बनाया गया है वो शरई तरीके से ताल्लुक नहीं बनाया गया है, लिहाजा शरई तरीके से वो नसब साबित नहीं होगा। ऐसा बच्चा उस औरत की तरफ मंसूब होगा, वो मर्द उसका बाप नहीं कहलाएगा। लेकिन लेकिन बच्चा तो मेरा है ना। नहीं देखिए, बच्चा आपके नुतफे से, गर्चे आपके नुतफे से है बच्चा, लेकिन शरई तरीके से उस बच्चे को शरीयत आपका नाम नहीं देगी। बच्चा देखिए नसब का मतलब ये होता है ना, उस पर फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल मुरतब होते हैं। एक तो आपकी विरासत में उसका शरीक होना, आपकी तरफ उसका मंसूब होना, बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो सारे मसाइल यहां पर नहीं आएंगे। बच्चा ना तो आपका वारिस होगा और ना तो वो आपका बेटा कहलाएगा शरीयत की निगाह में। ये इस्लाम का हुक्म है, ये इस्लाम की नजर में आपका ये हुक्म आपके ऊपर ये मुरतब होगा। अच्छा जी सुनिए फुल ना, लाइफ जी। तो इसका उपाय क्या है? मतलब ऐसे लड़की को तो छोड़ नहीं सकते ना, बहुत
हालों से रिलेशन है। लेकिन अब देखिए अभी के लिए क्या क्या उसका उपाय, सबसे आसान उपाय मैं उसका आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले तो आप तौबा कीजिए। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपको अपने इस गुनाह पर शर्मिंदगी है या नहीं, या आपने गलत किया है? शर्मिंदगी तो है सही, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपने गलत किया है? हाँ आपने बहुत गलत किया है। आप जो है सबसे पहले तो तौबा कीजिए, सबसे पहले आप तौबा कीजिए और उस लड़की को भी कहिए कि वो तौबा करे। अगर आप दोनों तौबा कर लेते हैं सच्चे दिल से, तो उसके बाद आप दोनों का शादी कर लेना, इज्दिवाजी ताल्लुक में बच जाना, ये आपके लिए जायज है। अगर आप तौबा नहीं करते हैं तो आपका शादी करना भी जायज नहीं है। तो अगर आप दोनों, लड़का लड़की दोनों जिन्होंने जिना किया है, सच्चे दिल से अगर वो तौबा कर ले रहे हैं, शर्मिंदा हैं अपने किए हुए पर, तो फिर उनका निकाह करना ये जायज है। और मैं समझता हूं उसका बेहतरीन हल यही है कि आप दोनों तौबा करें सच्चे दिल से, उसके बाद निकाह के रिश्ते में आप दोनों बंध जाएं, और वो जो बच्चा है अपनी माँ की तरफ मंसूब होगा। जाहिर है उस बच्चे की जरूरतें आप भी पूरी कर सकते हैं, उसकी परवरिश, तालीम और तरबियत, इस तरह से वो बच्चा भी जाये होने से बच जाएगा और आप दोनों का ताल्लुक भी हलाल हो जाएगा। लेकिन पहले जरूरी है कि सच्चे दिल से आप तौबा करें। ठीक, सुनिए ना, अगर जी जी कोई बंदा अगर मान लीजिए शराब पिया है तो उसका तो 40 दिन तक नमाज रोजा कुछ कबूल नहीं होता, तो क्या वो इस हालत में नमाज पढ़ेगा? ये दूसरा सवाल है, ये शराब पीने से मुताल्लिक। ठीक, मेरा बहुत बुरी आदत है, बीच बीच में शराब का आदत है, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक नमाज पढ़ता हूँ। देखिए, शराब नशे की हालत में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन जब आप नशे की हालत में नहीं हैं उस वक्त आपको नमाज पढ़नी है, नमाज साकित नहीं है। अगर कोई शराब को हलाल समझ करके पीता है तब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर कोई शराब को हराम समझ रहा है उसके बाद भी पीता है, तो उसे नमाज पढ़नी है और उसकी नमाज सही है। अब बाकी कबूलियत, अदमे कबूलियत, आप इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप उसका ये हल नहीं है कि मैं नमाज कैसे पढ़ूं, सबसे पहले उसका हल ये है कि आप शराब छोड़िए, आप तौबा कीजिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और तकवा आपके दिल में आएगा तो आपके लिए बहुत आसान है तौबा करना। और सबसे पहला मरहला तौबा का होता है शर्मिंदगी, नदामत। अगर नदामत है तो इंसान किसी भी चीज को छोड़ सकता है। तो अल्लाह के लिए आप ये जो जिन गुनाहों का आपने जिक्र किया, आप इसे छोड़िए। आप सोचिए, आपको नहीं मालूम कि इस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं कल तक आपकी जिंदगी रहेगी कि नहीं, किसी को नहीं मालूम, हर आदमी इस बात को मानता है। अब आप फर्ज कीजिए कि इसी गुनाह की हालत में अगर आपकी मौत हो गई तो क्या होगा, आप इसको तसव्वुर कीजिए। ये दुनिया चंद रोजा है और चंद घड़ी की लज्जत और चंद घड़ी आप इंजॉय करते हैं, उसकी बुनियाद पर वो जिंदगी जो हमेशा हमेशा रहने वाली है वो तबाह हो जाएगी। और ये जो जेना की आपने बात की, वो जरूरत आप निकाह करके पूरी कीजिए। एक से नहीं पूरी हो रही है, अब आपके लिए दो का ऑप्शन है, तीन का, चार का ऑप्शन है। आदमी जेना क्यों करे? जी फनलाई भाई, से मतलब गलती में मेरा ही है, ऐसा बात नहीं। और से मुझ में बहुत बुरी आदत है शराब का लत, बीच बीच अच्छा ये में बताएं, आप तो बुरी सुनिए आदत सुनिए, है तो आप आदत को छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? शेख छोड़ना तो चाहते हो, छोड़ना चाह लेकिन रहे हैं तो फिर स्टेप क्या लेना है आपको, आपने क्या स्टेप लिया छोड़ने के लिए? शेख मेरा जो हम जो बिजनेस करते हैं ना, तो हम लोग का जो माहौल एक बना हुआ ना, एक सोसाइटी, ये बहुत से खराब है, लगता है वो मुझे कुछ ये भी जगह हो, वो छोड़ना। कुछ भी हो, आप वहां से निकलने की कोशिश करें आप, लेकिन आपने क्या स्टेप लिया इन सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए? आप छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाह रहे हाँ, हैं? तो आपने क्या स्टेप लिया छोड़ने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? शेख मेरा जितने भी कांटेक्ट है ना, अभी मेरा सिर्फ किसी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब सिर्फ घर और मस्जिद और बिजनेस जो है ना मेरा, तो ये पर्सनल असिस्टेंट का भी संभाल रहा है घर से ही।
मैं चुप कर रहा हूँ, अगर बाहर चला जाता हूँ तो मन बहक जाता है। देखिए गुनाह को छोड़ने का ये जो तरीका आप बता रहे हैं बहुत मुफीद तरीका है। जिस माहौल जो माहौल आपको बुराई की तरफ ले जा रहा हो, सबसे पहले तो आप उस माहौल से निकलिए। माहौल इंसान से, जैसा कि बहुत सारी बुखारी, जो बुखारी का की मशहूर हदीस है शेख हाशिम, वो बनू इसराइल का एक इसराइली का वाकया जिसने 99 कत्ल किए थे, तो उसने आलिम ने उसको मशवरा क्या दिया था कि उस माहौल से निकल जाओ, दूसरी बस्ती में चले जाओ। तो आप सबसे पहले उस माहौल को छोड़िए और पक्का इरादा कीजिए। आप ये बताइए आपने आखिरी बार शराब कब पिया है? जी एक महीना पहले। देखिए माशाल्लाह आपने एक महीने से शराब नहीं पिया है और अब इसको आप कंटिन्यू रखिए। आप तहैया कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पीना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है, मुझे नहीं पीना है। और कोई भी बुराई, खास तौर से जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं ज़िना और शराब, शराब तो उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है, और ज़िना ये इंसानियत, इंसान को इंसानियत के दर्जे से गिरा देने वाली चीज है। मतलब इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो उसकी अपनी इज्जत होती है, अपनी इस्मत होती है, उसके बाद इंसान इंसान नहीं रह जाता है, हैवान बन जाता है। तो अगर आप उसकी जो कबाहत है, जो गलाजत है, उसको महसूस करेंगे, आपके लिए छोड़ना आसान है। और आपने एक महीने से शराब नहीं पिया, आप आज ही तहैया कीजिए कि अब उसके करीब नहीं जाना है। और जो आपने रिश्ते की बात की, आप तौबा कीजिए, और अगर वो लड़की भी तौबा कर लेती है तो आप चाहें तो उससे शादी करके अपने इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं और उसको शरीयत के दायरे में ला सकते हैं। जी फन लाइफ भाई शुक्रिया सर, क्या आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं? हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमाए, आपको तौफीक दे।